भाइयों और बहनों, ओटीज और फैकल्टीज, प्रस्तुत है आपके सामने फेज थ्री के प्रतिभागियों की ओर से एक हास्य नाट्य मंचन ज्ञान मिला। मसूरी की सर्द हवाओं और ज्ञानशिला के ज्ञानी महानुभवों के ज्ञान से ओतप्रोत होते हुए चोस से लबरेज अफसरों की कहानी से आप सभी को रूबरू कराते हैं। और आइए चलते हैं पहाड़पुर जिले में। सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। पहचाना कौन हूं मैं? मैं हूं फेज वन का प्रोबेशनर। मेरे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है, फोड़ डालूंगा सरकारी स्कूल को, डीपीएस बना दूंगा, पीएससी को अपोलो बना दूंगा। मेरे बहुत खुजली हो रही है काम करने की, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, नरेगा से गड्ढे भर दूंगा, आंगनबाड़ी चमका दूंगा, आग लगा दूंगा, आग फायर। अरे सर, आग वाग रहने दीजिए, बहुत सारे लोग आए, लोग चले गए और हम यहाँ कारकुनी करते रह गए, तो आप आग रहने दीजिए। एक काम कर दीजिए, आप जल्दी से जो है बाकी काम पूरा कर लीजिए। जो डीएम साहब ने आपको बोला, डीएम साहब आ रहे हैं। अरे डीएम साहब। हाँ भाई, कैसे हो? हाँ, पूरा भौकाल टाइट है यार। वो फेज थ्री के बाद गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ हाँ, अच्छा रुको, वो एक नया मुर्गा आया है, जरा मैं बात कर लूँ, और शाम को तुम रिंग कर लेना मुझे। अरे भाई नमस्ते, आओ यहाँ बैठो। कौन जिला? बत्तीसी संभाल के रखो, थोड़ा मैनर और एटिकेट पे ध्यान दो। का सीखे हो? सर एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, एआई मॉड्यूल, यूएन एजेंसी मॉड्यूल, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और एनपीवी सीखे। अरे रुको यार, बांटना जानते हो? सर शीत लहरी में कंबल बांटना तो पता है सर, और सर डांटना भी सिखाया था सर। अरे हद है, क्या सीख क्या है वो भाई? कौन कोर्स डायरेक्टर था? ट्रेनिंग तो हमारे समय में हुआ करती थी, कुछ सिखाया ना सिखाया बांटना सिखा दिया। अच्छा जोपा जानते हो? सर जुम्बा जानता हूँ सर। जुम्बा? एकेडमी में जुम्बा भी होने लगा? पीए साहब क्या माजरा है? अच्छा चलो, लबासना के लोगों में कौन सी चिड़िया है? कौन सी चिड़िया है पता नहीं सर। धत तेरे की, चुग गई चिड़िया खेत। मुझे तो तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे हैं। कुछ कर पाओगे मुन्ना? चलो अब आईएएस बन गए हो, आई गए हो, जनपद में आ गए हो, तो कुछ काम दे ही देता हूँ। सर सर बैठो बैठो सर। बहुत सर सर करते हो यार, बिल्कुल सर सराते रहते हो है? सर जब मैं भारत दर्शन में गया था ना सर, तो किसी ने बताया था कि यदि 60 सेकंड में 65 बार सर बोल दिया तो ट्रेनिंग सर से निकल जाएगी। ओ वो तो दिख ही रहा है सर, वो तो दिख रहा है सर। ऐसा है कि जनपद को कुछ टॉयलेट्स चाहिए एसबीएम में, पूरा रिपोर्ट देख लो और शाम तक मुझे जो है वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके ले आओ सर, तुरंत सर बना के लाता हूँ सर। सर ये सर
कुछ खास बात, कोई फाइल वगैरह? अच्छा, डीएम साहब के दिए गए असाइनमेंट को तत्परता से पूरा करते हुए प्रोबेशनर झट से रिपोर्ट पढ़कर फट से वापस आ जाता है। सर सर सर, मैंने टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी देख ली सर। मूवी देख ली, साथ में पीपीटी भी बना लिया सर। अच्छा, और सर मॉडल इतना अच्छा बनाया है कि पीडब्ल्यूडी के सारे प्रोविजन के अनुसार है सर। लाओ सर। सर सर कहीं छिप गया लगता है सर। अच्छा ओ, सर, कोई नहीं, बैठ जाओ सर। सुनो, यहाँ एक पेनल्टी गांव है, वहां एक विकेट प्रॉब्लम हो गई है। विकेट प्रॉब्लम समझते हो? बहुत विकेट प्रॉब्लम है। गांव में एक नहर आ रही है और दो समुदायों में तनाव हो गया है सर। आप जाइए उसको ठीक कराइए। और सुनिए, एडिशनल एसपी को साथ लेके जाइएगा सर। सर सर सर, नीले और लाल बत्ती के साए में जाइएगा सर। जमाना बहुत खराब है सर। सर सर, और जैसे ही जाएंगे मुझे वहां फोन करिएगा, अपना जीपीएस लोकेशन भेजिए सर। सर सर, जाइए सर। सर, जिलाधिकारी महोदय का विश्वास जीतने के लिए प्रोबेशनर गांव में जाकर भर सब प्रयास करता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छे से इसका घर अलॉट करा दीजिए, गाड़ी देख लीजिए सर। प्रोबेशनर का मेरे वजन कम ना हो सर। सर, एडीएम साहब की गाड़ी निकाले सर। अरे बाद में हम लोग देखेंगे, एडीएम साहब की गाड़ी सर। हां तुम आ गए सर। सर मैं गया था सर गांव। सर जो दोनों पार्टी के लोग थे सर, आपस में बात कर रहे थे सर कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे ऐसा बोला? और ये भी बोला सर कि बहुत लंबा दंगा चलेगा तो और हमारा। क्या करते हो, डरते ही रहते। सर दोनों पार्टी को बहुत समझाया सर, माने नहीं रहे सर। नेगोशिएशन किया? नेगोशिएशन सर, नजिंग किया? नजिंग ना, निगोशिएशन किया ना, नजिंग किया। अरे बिहेवियरल साइंस होता है भाई, साइकोलॉजी पकड़ो सर। साइकोलॉजी पकड़ोगे तब समझ में आएगा कि क्या है सर। सोशल कैपिटल बनाओ सर। सर सर, ग्राम प्रधान से बात की? नहीं। लो सर, तुमने ना निगोशिएशन किया ना नजिंग किया, सोशल कैपिटल भी नहीं बनाया। चलो कोई नहीं, कल तुम्हें एडीएम के साथ लगाता हूँ और मन लगा के सर। ठीक है, जो आ गया सर। इनका आदेश बना दीजिए, एडीएम साहब के साथ ये कल रहेंगे और कल ही मैं मीटिंग लूंगा इन लोगों की सर। उस रात प्रोबेशनर अपने दोस्त से बात करता है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भाई, क्या कैसा है? अरे यार क्या बताएं, हमारे डीएम साहब ना। अरे यार यहाँ तो झमाझम पार्टी चल रही है यार, क्या मजे है यार, क्या हुआ तेरे साथ? भाई हमारे डीएम साहब तो बहुत केटीपी है यार, जब से फेज 3 से आए हैं उनमें एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही जोश है। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, कभी बोलते हैं नज, नेगोशिएशन, लबासना की लोगों की चिड़िया, जोपा, सोशल कैपिटल, बांटना, पता नहीं यार क्या क्या चल रहा है। ओहो, भारी केटीपी लग रहा है भाई। चल तू लगा रहा, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। भाई मेरी मीटिंग की तैयारी यार, कल शाम को बात करेंगे। ओके ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन प्रोबेशनर एडीएम साहब के चेंबर में पहुंचता है। आइए मिलते हैं एडीएम साहब। हेलो भाई, बोकाल है बोकाल। फेज 3 के बाद क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है, एनलाइटमेंट ही एनलाइटमेंट है। रुको, एक नया मुर्गा आया, उसको पटा लेते हैं पहले, शाम को करता हूँ। आओ दोस्त। उधर क्यों खड़े हो, सामने आओ, क्या सीखे हो तुम? सर एजुकेशन, हेल्थ मॉड्यूल, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, एनपीवी, एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी,
और निकटू में पता नहीं क्या क्या सिखाया सर। चैट जीपीटी सीखे हो? सर पीटी तो करते थे सर, चैट जीपीटी शायद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद कराएंगे सर। अरे चैट जीपीटी नहीं पता है तुम्हें? मैंने तो फेज 3 से आते ही अपने पीए को सिखाया हुआ है, धकाधक नोटिंग बना रहा है, वो तो रैबिट भी यूज कर रहा है। रैबिट? ये खरगोश क्या होता है? अरे भाई कौन थे तुम्हारे कोर्स कोऑर्डिनेटर? रैबिट एक एआई टूल है भाई। हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर होते थे, हाय 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 क्या गुरुजी थे। 4 हफ्ते की ट्रेनिंग बिना फॉरेन टूर के सारी दुनिया का ज्ञान हमें दे दिया। अब तो उछल उछल के आइडिया आते हैं, उछल उछल के। तुम्हारे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा भैया। सर आपको डीएम साहब ने विकेट का कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बोला। चलो भाई ज्ञान लेते हैं डीएम साहब से और कुछ दे भी आते हैं। ज्ञानी एडीएम तथा नव ज्ञानी प्रोबेशनर परम ज्ञानी डीएम साहब के चेंबर में पहुंचते हैं। आइए देखिए आगे क्या होता है। नमस्ते सर। आइए डीएम साहब आइए। सर 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 ठीक है सर। जिले का क्या हालचाल है सर? आपकी लीडरशिप में तो चमक रहा है सर, इस बार तो हम पीएम अवार्ड लेके ही रहेंगे सर। पीएम अवार्ड? हाँ बिल्कुल सर लेके रहेंगे सर। लगे रहो प्रोबेशनर का ध्यान रखना भाई। सर रख रहे हैं सर रख रहे हैं। इसको नेगोशिएशन भी नहीं आता? नहीं घबराओ नहीं डीएम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। घबराओ नहीं आप आराम से बैठो, मेरे प्रोबेशनर का ध्यान रखना सर। और ये आपका भी प्रोबेशनर है, पूरे जिले का प्रोबेशनर है। सोशल कैपिटल इसे सिखाइए। अच्छा वो जो चंगा ढाबा है, चंगा ढाबा के किनारे वो जो जमीन है उस पर कुछ साउथ इंडिया से लोग आए हुए हैं और वहाँ 5-स्टार होटल बनाना चाहते हैं। विरोध बहुत है, आप जानते ही हैं, जो पहला आपने पैमाइश कराई थी उसकी। इनको भी लेके जाइए और पूरी फोर्स लेकर के जाइए। और वो जो लोग आए हैं उन्होंने कुछ अपनी भाषा में, अब वो तमिल है या मलयालम है मुझे नहीं मालूम, जरा सा आप देख लीजिए और देख करके वो उसको बताइए कि ये क्या है। सर ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, मैं अपने बैचमेट को फोटो भेजता हूँ सर, तुरंत से ट्रांसलेशन भेज देगा सर। बैचमेट्स को बात करो, राइट करके और राइट सर, राइट सर मुझे। वेट ए मिनट सर। ये क्या है सर? ये भाषिनी ऐप से ट्रांसलेशन है सर। ओह हमारे सीसी सर ने बहुत अच्छे से सिखाया था सर, और उन्होंने बताया कि अनुवादिनी भी आ रहा है सर। अरे वाह एडीएम साहब आपका प्रोफेशनर तो कुछ कमाल कर रहा है सर। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्लम का एरिया कितना है, वहाँ घर कितने हैं सर। अरे तो इसीलिए तो मैंने आपको दिया है कि आप उसको जरा सा काउंट कर लें, उसको देखें कि कैसे है, उस पर पूरा बुलेट पॉइंट्स बना लें। चीफ साहब के वहाँ उसको प्रेजेंट करना है। मैं आई सर। हाँ बोलो। सर हमारे डायरेक्टर सर ने GIS बेस्ड इन सीटू रिहैबिलिटेशन के बारे में डिटेल प्रोजेक्ट बताया था सर। मैं सर शाम तक ये कार्य करके आपको ला दूंगा सर। सर इसने तो बड़ा फेज 1 में बहुत कुछ सीखा हुआ लग रहा है सर। ठीक है इनके क्षमताओं का उपयोग करिए। राइट सर। और तुरंत अभी आता ही होगा चीफ साहब के वहां से सर। मुझे लगता है कि आप दोनों को मेहनत करके बना लेनी चाहिए सर, सर, सर। और आप जरा सा देख लें, अगर कोई बात हो तो मुझे तुरंत बताएं। मैं लंच पे जा रहा हूँ और इन लोगों की मीटिंग, अगली मीटिंग जो है कल रात में फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए मैसेज। अरे मैं पूछ ही रहा हूँ तब तक आ गया? जी सर आ ही गया है सर। एनालिटिकल और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की है। एनालिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो आपने देखा कि कैसे प्रोबेशनर अब कर्म योगी बन गया है और तीनों साहबों को चीफ सेक्रेटरी सर जो कि परम ज्ञानी हैं ने एक मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस के एनालिटिकल स्ट्रैटेजिक और फोकस बेस्ड सॉल्यूशन के लिए प्रेजेंटेशन देने को बुलाया है। आइए चलते हैं चीफ सर के ऑफिस में। चीफ
दयानंद जी, जरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनरेबल सीएम से बात कराइए और जरा ये चेक करके बताइए प्रोजेक्ट वेजिटेबल सेंटर चली गई क्या, जरा मुझे चेक करके बताइए। कह देना राइट कर्मी होगी है सर। तीनों लोग हाँ सुनील जी चेंबर में पहुंचते हैं। जी सुनील जी पार्टनर, जब से फाइव फेस फाइव की ट्रेनिंग करके आया हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, वोकल टाइट है अपना। हाँ पार्टनर, अरे सुनो तीन मुर्गे आ रहे हैं, थोड़ा बात करो, शाम को कॉल बैक करता हूँ पार्टनर। यस यस राइट। मैं आई कम इन सर। हाँ प्लीज प्लीज आइए आइए डीएम साहब, आइए डीएम साहब। नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ये हु इज दिस यंग मैन? सर ये हमारा नया प्रोबेशनर अभी ज्वाइन किया है सर। ओह वेलकम 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 सर, ढंग से ट्रेनिंग दीजिएगा और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, नया जमाना आ गया है, अच्छी ट्रेनिंग लीजिएगा सर। वी आर लुकिंग आफ्टर सर एंड। अच्छा ये बताइए वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का क्या स्टेज क्या स्टेटस है? सर मैंने एडीएम साहब को दे दिया था, एडीएम साहब उस पर पूरा विचार कर रहे हैं और हम लोग उसको एनालाइज करके तुरंत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सर। राइट राइट दैट्स सो गुड सर। हमने प्रोबेशनर को भी उसमें इन्वॉल्व किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर मैं कर्मयोगी हूँ सर, कर्मयोगी। अरे वाह क्या बात है क्या बात है, ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। अच्छा वो ये बताइए उसमें MLDL लगाया है क्या? नहीं सर, उसमें हम लोगों ने GFR लगाया है, चैट GPT लगाया है। ये MLDL तो सर लगता है कुछ आगे की चीज है सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट की। अरे भाई क्या बात करते हैं सर, फाइव की ट्रेनिंग के बाद में एकेडमी ने हवा हवा में मशीन लर्निंग डीप लर्निंग सिखा दिया था सर। हम लोगों ने जोपा भी लगाया है, बाटना भी लगाया है। ठीक है लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग नहीं लगाया ना सर, हम लोग सीख लेंगे। कौन सीसी थे आपके, कौन कोर्स कोऑर्डिनेटर थे भाई? अरे भाई लगता है बहुत गड़बड़ है मामला, आप तीनों से हो पाएगा बताइए जेंटलमैन, हो पाएगा? क्या आपसे हो पाएगा? क्या आपसे हो पाएगा? क्या मुझसे हो पाएगा? थैंक यू। देखा आपने दोस्तों हमारे कर्म योगियों को, इनकी एक छोटी सी कहानी जो ये बताती है कि हम LBSNA से चले तो जाते हैं पर LBSNA हमारे दिल और दिमाग से कभी नहीं जाता, वो हमेशा हमारे लिए एक लाइट हाउस रहा है, प्रेरणा और जोश के लिए। हम सारे अफसर हमेशा साथ मिलकर हर समस्या का समाधान कर सकते हैं क्योंकि हमारा नारा ही है योगः कर्मसु कौशलम। धन्यवाद। कैसा हुआ? जोरदार तालियां इस स्किट के लिए। इस स्किट को तैयार करने में किसी भी ऑफिसर ट्रेनी को किसी तरह का आघात नहीं पहुंचा था। नो चिल्ड्रन एनिमल्स और ऑफिसर ट्रेनीज वेर हार्म्ड वाइल पिक्चराइजेशन ऑफ दिस स्किट और इस स्किट के सभी पात्र पूर्णतया काल्पनिक थे और इसका किसी भी सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं था। और फेज वन वाले घबरा सकते हैं लेकिन फेज थ्री वालों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है इसलिए भोकाल टाइट है। Coming to the grand finale of our cultural evening today, we have a Punjabi folk dance. हमें पंजाबी फोक डांस के बारे में भांगड़ा का तो पता है, गिद्दा का भी पता है। भांगड़ा पंजाबी मुंडे कर दें तो गिद्दा पंजाबी कुड़ियाँ कर दिए। आज हम देखेंगे पंजाबी लुड्डी, लुड्डी मुंडे तो कुड़ियाँ साथ में कर दें। और इस परफॉर्मेंस की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें न केवल पंजाब कैडर के पंजाब से बिलोंग करने वाले ऑफिसर्स हैं बल्कि इस टीम में हमारे साथ हरियाणा यहां तक कि महाराष्ट्र और आसाम के ऑफिसर्स भी आपके सामने पंजाबी लुड्डी प्रस्तुत करेंगे। यह आज के इस ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ पूरी गर्मजोशी के साथ कीजिए इस पंजाबी फोक डांस का। थैंक यू।